तो रिसेंटली संदीप रेडी वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा मुंबई के एक गैंग है पैसा लेकर करे तो पेड रिव्यूज करते पैसा दो तो अच्छा बोलेगे फेमिनिज्म के नाम पर घटिया रिव्यूज देते मतलब लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के से मूवी तो दे देखो जो उनके पसंदीदा डायरेक्टर है उनको ही प्रमोट करो उनके रिव्यू अच्छे दे मूवी को इनके इंटरव्यू लो उनकी मूवीज को कितने भी घटिया हो क्लासिक बोलो अगर प्रोपेगेंडा मूवी है उनका प्रोपेगेंडा है तो उनको अच्छा बोलो मतलब आपने सुना होगा की एक तरह से दो निशाने मारते मैं बात कैसे संदीप प्रेड ने एक से पांच निशान मारे सबसे पहले उन्होंने बोला की चाइना से जाके इंग्लिश क्लासेस लू तो उन्होंने ये बोला कैसे चाइना की मोनोपाटी है इंडियन रिवर्स के ऊपर मूवी बहुत इन्फ्लुएंस करता है और जिसने मूवी को इन्फ्लुएंस कर लिया मतलब कंट्रोल कर लिया सेंसरशिप ला दी पूरी तरीके से वो जो चाहे वो दिखाना चाहता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है यही किया था हिटलर ने उसने सिनेमा के जरिए लोगों का दिल जीता तो जब पूरे चाइना से इंग्लिश क्लास सीखा हो तो रिसेंटली कई स्टूडियोज में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया और आपको बिलीव नहीं होगा रॉक का एक मैप था दिखाया था पोस्टर फ्री डिबेट तो चाइना ने उसे हटवाया सोचो चाइना की इंडिया के मूवीज पर कितनी नजर है और मूवी होने से पहले उनको सब पता चलता है तो इसलिए आप देखो जो है को हमेशा के नाम पर कचरा भी नहीं बचना चाहिए लेकिन अच्छे बने तो उसे बैच करते है जैसे यूरो के डायरेक्टर दूसरे बात बोले की ये पैसे लेते हैं तो हाँ ये बात तो सब सच है की पैसे लो अच्छे रिव्यू दो पैसे मतलब कोई मुझे लगता है करवाना ये सब लेकिन अब फिल्म मेकर भी उसे हो चुके हैं उनको पता है इनके रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह मोनोपोली क्रिएट करने लगे शायद संदीप ऐसे कहना चाहते हो। तीसरे बात कहते हैं इलिटरेट है तो मुझे नहीं लगता वो इलिटरेट वो जान बुझ कर ऐसा कर रहे हाँ, कुछ तो वो जान मूवी को बैश करते वो टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रमोट करते प्रेरित करते है जिस पर भारत ने भी एक रेवर का मजाक उड़ाया और दूसरे बात लास्ट में कहूंगा रेवर तो खराब है लेकिन संत पर भी अपनी मार्केटिंग ये कर रहे हैं जैसे एनिमल के लिए उनका वो प्रमोशन मटेरियल हो चुका था अब उनको

ब्रेव है और जो इनके बजट रहे जो इनका नहीं है तो इंटरव्यू में कहा मुंबई के एक गैंग तो तो अच्छा मतलब है तो घटे रिव्यू दे दो फेमिलिस्ट के नजर से मूवी देखो जो उनके पसंदीदा डायरेक्टर है उनको ही प्रोमोट करो उनके रिव्यू अच्छे थे मूवी को इनके इंटरव्यू लो उनकी मूवीज को कितनी भी घटिया हो क्लासिक बोलो अगर प्रोपेगेंडा मूवी है उनका प्रोपेगेंडा है तो उनको अच्छा बोलो मतलब आपने सुना होगा

का एक मैप था दिखाया था पोस्टर फ्री थी तो चाइना ने उसे हटवाया सोचो चाइना की इंडिया के मूवीज पर कितनी नजर है और मूवी होने से पहले उनको सब पता चलता है तो इसलिए आप देखो की रिवर्स जो है मूवीज को हमेशा रिव्यूज देते क्यूँकी सही है की पेट्रोटिज्म के नाम पर कचरा भी नहीं बेचना चाहिए लेकिन अच्छे बने तो उसे बैच करते जैसे यूरो के डायरेक्टर दूसरे बात बोले की ये पैसे लेते हैं तो हाँ ये बात तो सब सच है की पैसे लो अच्छे रिव्यू दो पैसे मतलब कोई मुझे लगता है ये सब देखे आप फिल्म मेकर भी उसे हो चुके हैं उनको पता है इनके रिव्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह मोनोपोली क्रिएट करने लगे शायद संदीप रेड्डी प्रा ऐसे कहना चाहते हो तीसरे बार संदीप रेड्डी प्रा कहते हैं इलिटरेट है तो मुझे नहीं लगता वो इलिटरेट है वो जान बुझ कर ऐसा कर रहे हैं हाँ, कुछ मैं जरूर कहूंगा आइडियोलॉजी के तो वो जान बुझ कर मूवी को बैठ करते और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने के बजाय मूवी का आइडियोलॉजी ये सब ढूंढते और वही लिप्टिट फिल्म मेकर मूवी बनाते तो उनको प्रमोट करते प्रेरित करते हाँ तो हेपोक्रसी है जिस पर रंगन ने भी एक रेवर का मजाक उड़ाया और दूसरे बात लास्ट में यही कह रेवर्स तो खराब ही है लेकिन संदीप रेड्डी डिबंगा भी अपने मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे एनिमल के लिए उनका वो प्रमोशन मटेरियल हो चुका था कि अब उनको वाइडेंस क्या होता है और सही भी उनका बोलना भी बनता है। अगर क्रिटिक्स अपना ओपिनियन रख सकते हैं मूवी के ऊपर तो संदीप रेड्डी वांगा भी उनके ओपिनियन को क्रिटिक कर सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं और हाँ यार मुझे बुरा लगा था जब इन्होंने लो रंजन डायरेक्टर है उनको मिसोजनिस डायरेक्टर मिसो डायरेक्टर बोलते थे मतलब एक बार रणबीर कपूर को लिटरली इन्होंने पूछ लिया तुम जेनेस

का जैसा डायरेक्टर मिलना चाहिए जो गस्ट से ब्रेव है और जो इनके पास डाले जो इनसे डरता नहीं है जो इनको कॉल आउट आपका क्या ओपिनियन है संदीप के के स्टेटमेंट ऊपर कमेंट करके बताओ और इसमें एक पॉइंट करना का फिल्म कंपनी इंटरव्यू तब संदीप ने कहा था कि संजो में तीन सौ लड़किया एक आदमी के साथ सोते हैं लोग चेयर कर रहे थे क्रिटिक्स अच्छे रिव्यूज दे रहे थे किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर को प्रॉब्लम नहीं थी राइटर को प्रॉब्लम नहीं थी एक्टर को प्रॉब्लम नहीं थी क्यों क्योंकि संजय तो तुम लोगों का इंडस्ट्री का आदमी है तो उसने वही कॉल आउट भी किया रिसेंटली इंटरव्यू में मैंने संजो का रेफरेंस दिया जब पता नहीं था उसने बोला मैंने कमेंट देखी तो कमेंट थी कि बंदा पूरा रिसर्च करके आए प्रोड्यूसर इसका पति है इसने संजो मूवी का रिव्यू नहीं किया और इसने वो टॉपिक पर अवॉइड कर दिया तो संत प्रीति वंगा ने वो भी कॉल आउट किया कि जब खुद के पति की फिल्म होती है। तब इसको मूवी मिस हो ये सब नहीं दिखती तब इसको सब चल जाता है लेकिन दूसरा करे तो इसको बुरा लगता है